जिले में चोर उचक्कों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब कलेक्ट्रेट परिसर में भी चोरी करने से उन्हें डर नहीं लगता। हद तो तब हो गई जब कड़ी सुरक्षा के बीच संचालित एटीएम बूथ को बदमाशों ने निशाना बनाया है। घटना की जानकारी सुबह हुई तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया है। हालांकि बताया जाता है कि बदमाश चोरी करने में सफल नहीं हुए हैं। अगर बदमाश सफल हो जाते तो लाखों रुपए का बैंक का नुकसान होता। फिलहाल पुलिस एटीएम बूथ में लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। एक्चुअली चोरी नहीं हुई है, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की गई है एटीएम में और पैसे निकालने का प्रयास किया गया है, लेकिन एटीएम का जो गार्ड बॉक्स है वो पूरा इंटैक्ट है। अभी ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कोई पैसे निकले हैं इसमें से, और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जाँच कर रहे हैं हम लोग, और अपनी डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट की टीम भी आ गई है, और जल्दी ही इनका पता चल जाएगा जिन्होंने ऐसा काम किया है। एटीएम कलेक्ट्रेट परिसर में लगा हुआ है जी? नहीं, गश्त प्रॉपर होती है, थोड़ा ये सेक्लूडेड एरिया है और परिसर के अंदर है, इस कारण से ऐसी घटना हुई है। सीसीटीवी को ब्लैक पेंट से पोत दिया गया है, तो ऐसी कोई अभी फुटेज प्राप्त नहीं हुई है। अपने एक्सपर्ट उस पर लगे हुए हैं, काम हो रहा है। मतलब प्रयास असफल था? नहीं, प्रयास चल रहे, मिल जाएगा संभवतः। जिन्होंने चोरी करने का प्रयास किया जी, वो असफल रहे हैं। अभी तक पैसे निकालने की कोई सूचना कन्फर्म नहीं हुई है।